मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नंबर सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर्स में आपके दो और तीन लेक्चर्स हुए हैं, उसके अंदर हमने डिविजिबल बाय टू, दो से डिवाइड होने वाले, तीन से डिवाइड होने वाला नंबर, चार से, पांच से, छह से, आठ से, नौ से, दस से, ग्यारह से। ये देखिए एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें सेवन, इलेवन और थर्टीन से डिवाइड होने वाले नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो डिविजिबल बाय नंबर सिस्टम, डिविजिबल बाय सेवन, इलेवन और थर्टीन। सेवन, इलेवन और थर्टीन, सेवन, इलेवन और थर्टीन में क्या होगा? बहुत से इसके लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इन विच नंबर सिक्स टाइम सेम नंबर, सेम डिजिट, इन विच नंबर सिक्स टाइम सेम डिजिट डिविजिबल बाय सेवन, इलेवन और थर्टीन। क्या समझे? ऐसा नंबर जो छह बार लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्स टाइम सिक्स, सिक्स टाइम सेवन, सिक्स टाइम एट, सिक्स टाइम नाइन, कुछ भी, सिक्स टाइम टू, मतलब इस तरह के नंबर सेवन से, इलेवन से और थर्टीन से, तीनों से डिवाइड होते हैं। डिवाइड करके देख सकते हैं आप, कभी भी डिवाइड करके देख सकते हैं। सेवन से डिवाइड करके देखिए, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, थर्टी सिक्स, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स। तो आप यहां देख सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस है, इलेवन से तो डिवाइड होगी कोई भी चीज, क्योंकि इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स, डिवाइड नहीं हो रहा तो जीरो, फिर सिक्स, इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स, सिक्स नंबर लेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा तो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्स ये वाला इलेवन से डिवाइड हो गया। इसको आप थर्टीन से डिवाइड करते हैं, थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव, थर्टीन वन जा थर्टीन, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स, फिर एक और सिक्स, थर्टीन एट जा वन हंड्रेड फोर, फिर हम टू लेते हैं ट्वेंटी सिक्स, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर ट्वेंटी सिक्स से भी डिवाइड, थर्टीन से भी डिवाइड हो रहा है, इलेवन से भी हो रहा है, और थर्टीन से, सेवन से, इलेवन से सबसे डिवाइड हो रहा है। अभी भी बाकी है कुछ, व्हेन इसी के अंदर ही, व्हेन टू डिजिट नंबर रिपीटेड बाय थ्री टाइम्स, देन डिविजिबल बाय सेवन एंड थर्टीन। फॉर एग्जाम्पल पहले समझे क्या वो देखते हैं, हिंदी में भी क्लियर किया जाता है इसको, हिंदी में क्लियर किया जाएगा, सॉरी। टू डिजिट नंबर रिपीटेड बाय थ्री टाइम्स, यानी कि दो अंकों की संख्या तीन बार रिपीट हो,
6 2 6 2 6 2, 7 2 7 2 7 2, 6 9 6 9 6 9, 7 3 7 3 7 3. तो वो नंबर हमेशा 7 और 13 से डिवाइड होगा। आप करके देख सकते हैं, लेक्चर के अंदर तो ज्यादा डीप जाया जा सकता है, पर बहुत कम आने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया जाए आपको। क्या पहले 7 से करके देखिए, 7 8 56, 7 9 63, 7 4 28, 4 7 6 42, 7 6 42, अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके सामने 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो 13 4 52, 106, 13 8 104, 13 1 13, 13 7 91, 13 4 52. अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नंबर दो अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो रही है तो वो हमेशा 7 और 13 से डिवाइड हो गई। आपके सामने एग्जांपल है, इनको भी आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 7 और 13 से डिवाइड हो गई श्योर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट बार बार एक ही चीज, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल टीचर हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बताएं, ये सारे एक्सपेरिमेंट वैदिक मैथ्स में 3000 साल पहले ही इनका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो आप इनमें भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इस तरह आगे है, अभी बाकी है बहुत कुछ इसी के अंदर ही। व्हेन 3 digit number repeated by 2 times, then complete number divisible by 7, 11, 13, all of। क्या लिखा गया है इसको इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर 3 अंकों की संख्या जो 2 बार रिपीट हो, जैसे कि 6 to 9, 6 to 9, 7 to 8, 7 to 8, 3 4 6, 3 4 6, 7 8 9, 7 8 9, मतलब 6 to 9 2 times repeat है, 7 to 8 2 times repeat है, तो इसका मीनिंग क्या है इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 6 to 9, 6 to 9, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 7 4 28, 7 7 49, आप देख सकते हैं यहां। और इसी नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 55, 11 7 77, 11 2 22, 11 3 33, 11 9 99, अब यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहां लिखता हूं, 13 से डिवाइड करके देखिए इसी नंबर को, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। 13 5 65, 13 6 78,
13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 फाइव जा 13 सेवन 16, 32, 6, 69, 629, 11, 11 times are 55, 79, sorry for mistake, पिछली बार mistake हो गई, माफी चाहते हैं, 11 times are 55, 11, 7 are 77, 2 balance 26, 11, 2 are 22, 42, 11, 3s are 33, 11, 9s are 99. तो आप यहां से देख सकते हैं ये नंबर 7 से 11 से और 13 से तीनों से डिवाइड हो रहा है। एक बार के लिए रिपीट करता हूं सब कुछ। अगर कुछ चीज को समझना है तो एग्जाम्पलिकली समझ सकते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ 7, 11 और 13 की। अभी भी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। तो क्या है डिविजिबल बाय 7, 11, 13 के लिए क्या किया जाएगा? विच नंबर 6 टाइम सेम डिविजिबल बाय 7, 11, 13। एक ऐसा नंबर जो 6 बार रिपीट होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर इन विच नंबर 6 टाइम सेम डिजिट, यानी कि एक ऐसा अंक जो 6 बार आएगा, जैसे 6 आया 6 टाइम, 7 आया 6 टाइम, 8 आया 6 टाइम, 9 आया 6 टाइम और 2 आया 6 टाइम। तो ये सभी नंबर 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने डिवाइड है स्क्रीन के ऊपर। व्हेन टू डिजिट नंबर रिपीटेड बाय 3 टाइम्स, अगर कोई दो टू डिजिट नंबर, दो अंकों का नंबर है, अगर वो 3 टाइम्स है तो वो 7 और 13 दोनों से डिवाइड होगा, वो भी आपके सामने है। 62 62 62, यानी कि 6,26,262, 7,27,272, यानी कि 72 62 62, 3 टाइम्स 72 72 72, 3 टाइम्स। अगर कोई दो अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो रही है तो वो नंबर 7 और 13 से डिवाइड होगा। उसके बाद अगर 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, जैसे 629 629, तो वो नंबर 7, 11, 13 से सबसे डिवाइड होगा। अभी भी कुछ बाकी है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, माफी चाहता हूं, मैंने 2 बार डिवाइड कर दिया 11 से, सॉरी। इसी नंबर को आप अगर 13 से डिवाइड कर देते हैं तो 13 फोर जा 52, 109, 13 एट जा 104, 556, 13 फोर जा 52, 4, 42, 13 3 जा 39, 3, 39, 13 3 जा 39। पहले के माफी चाहते हैं, वो दो बार 11 से डिवाइड हो गया। अब आप देख सकते हैं 7 से डिवाइड भी है, 11 से तो चलो है, 13 से भी। तो मीनिंग कि जो नंबर 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट हो वो 7 से 11 से और 13 से दोनों से डिवाइड होता है। अभी 7, 11, 13 का भी कुछ और बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसके साथ रिपीट करेंगे और कुछ बहुत अच्छी सी बातें अच्छे से ध्यान से सुनिए। थैंक यू।